गई है राम मंदिर के लिए, सुनवाई के लिए राम मंदिर की भिन्न तारीख मिल गई है, इसमें क्या करना है? नहीं, अभी ऐसा है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय करना है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करने में जो प्रति उसकी प्रक्रिया है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये हम सब चाहेंगे कि जितना जल्दी उसके बारे में निर्णय हो उतना अच्छा होगा। 10% आरक्षण मिला है, उस पर 10% आरक्षण हुआ है। संसद ने एक बहुत अच्छा निर्णय लगभग सबके सहमति के साथ हुआ है। आप देखेंगे तो इस समय का सत्र या उसके पीछे के सत्र चर्चा लगभग नहीं हो रही थी, ये एक दृष्टि से अच्छी बात हुई कि इस समय पर आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई, और चर्चा के दो फलक महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। एक बिंदु तो ये है कि विद्यमान आरक्षण जो है शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को, यह ख़त्म या कम न करते हुए यह नया आरक्षण दिया गया है, जिस आरक्षण के आधार पर जो गरीब छात्र है, गरीब लोग है, उनको और आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सकता है। और इस भूमिका में जो संसद ने निर्णय किया है, अब मुझे मालूम नहीं है, एक दो दिन में शायद राष्ट्रपति जी भी उस पर अनुमति देंगे, एक अच्छा निर्णय हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। प्रवासी भारतीय शुरू होने वाला है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू होने वाला है, इस पर किस तरह का? नहीं, प्रवासी भारतीय यहाँ जो 3 दिन का सम्मेलन होगा वो निश्चित तौर पर वाराणसी के दृष्टि से ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के दृष्टि से ही नहीं, तो भारत के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों में उन्होंने ये पद्धति शुरू की थी, और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय है उनको एक स्थान पर आने का एक यह मौका होता है, आदान प्रदान विचारों का होता है, और इस भूमिका में बहुत अच्छी बात है कि इस समय पर वाराणसी में ये हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वाराणसी के लोग भी ये जो मेहमान तौर पर आ रहे हैं और कुछ लोगों के निवास पर रहने की उनकी जो व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि जब जाएंगे तो एक प्रसन्नता से जाएंगे और वाराणसी में जो परिवर्तन हो रहा है उसके वो साक्षी बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। सरस्वती भवन में अभी जो देखा तो आपको क्या? नहीं, मैंने तो यहाँ अलग अलग प्रकार के जो किताब है हस्तलिखित है, और मैं आया तो यहाँ कई बार, लेकिन मैंने तफसील से यह वाचनालय नहीं देखा था। अभी उसकी जानकारी थोड़ी 10-15 मिनट में जितनी हो सकती है मैंने प्राप्त की है, और मैं चाहूँगा कि फिर एक दफ़े समय निकाल कर आऊँ और फिर मैं ये देखूँ। मैं आया था 15 मिनट की बात को लेकर, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गीत रामायण का है, उस भूमिका में मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने कुलपति जी को कहा, कुलपति जी भी मुझे आग्रह कर रहे थे कि एक दफ़े मैंने यह लाइब्रेरी जो है पुरातन लाइब्रेरी है देखनी है, अब मैंने देखी है, समझने के लिए कोशिश करूँगा।